जो पाकिस्तान मैच में उसने अफरीदी को यू नो टुक द अटैक टू द पाकिस्तानीज़ जो हम थोड़ा नहीं कर रहे थे यू you नो know, और ये उसने अंदर से ही वो डिसाइड करके कर आया था कि नहीं मैं ये करूँगा तो आई थिंक ये गिल बहुत बड़ा फैक्टर है होपफुली इस पूरे वर्ल्ड कप में पूरे वर्ल्ड कप मैं तो बोल रहा हूँ मैं ये प्रेडिक्शन है मे बी आई एम रॉन्ग यू नो बोलते हैं कि क्रिकेट में प्रेडिक्शन करना है दैट द शोरेस्ट वे ऑफ यू नो बिकमिंग अ फूल बट मैं बोल रहा हूँ कि गिल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए आपके एक पास्ट जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं नेशनल सिलेक्टर हेड नेशनल सिलेक्टर मेरे ख्याल से आप अजीत अगरकर करें अजीत अगर करें, या। आ, पहले एक हेड नेशनल सिलेक्टर क्या करते हैं क्या उनकी खुद की सेलेक्टर्स की टीम होती है रोल और एक उनमें से एक सिलेक्टर क्या करता है जिसका जॉब प्रोफाइल आपने निभाया और कैप्टन का क्या रोल रहता है सिलेक्शन में नहीं ब्रिलियंट क्वेश्चन ये, ये में जाऊंगा इसके गो, बारे में बिकॉज पांच सिलेक्टर रहते वन फ्राम ईच जोन सो नॉर्थ जोन सेंट्रल जोन ईस्ट वेस्ट एंड साउथ राइट इंडिया ब्रोकन अप इंटू फाइव जोन वन वन सेलेक्टेड फ्रॉम ईच जोन चार साल का टर्म होता है ये पाँच जनों का एक एप्लीकेशन इंटरव्यू प्रोसेस होता है सो सम फोर्टी फिफ्टी हंड्रेड पीपल विल अप्लाई लेकिन एक अपलीकेशन एक के लिए थ्रेश होल्ड होता है कि थर्टी फर्स्ट क्लास मैचेज या वन मैच फॉर द कंट्री ये सब बी सी सी आई के वेबसाइट पर है पूरा अवेलेबल है क्राइटीरिया देन अकॉर्डिंग टू द क्राइटीरिया वो एप्लीकेशन आते हैं एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी होती है बी सी सी आई की विच कंडक्ट दी इंटरव्यूज एंड देन यू अपॉइंट दिज फाइव पीपल आउट ऑफ फाइव पीपल जिसने भी इंडिया के लिए ज़्यादा खेला हो Uh, वो चेयरमैन बन जाता है तो uh, uh, हमारी सिलेक्शन कमेटी में एम एस के प्रसाद द द चेयरमैन और क्या क्या होता है कि इसमें uh, दो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं एक, uh, एक सिलेक्टर्स uh, और एक टीम मैनेजमेंट वो टीम मैनेजमेंट में हेड कोच होता है कैप्टन होता है और बैटिंग फील्डिंग एंड बोलिंग कोच तो ये पांच बंदे होते हैं एंड तो द सेलेक्टर्स तो द पहला जॉब ये सिलेक्टर्स का ये होता है कि टीम मैनेजमेंट से जो मैंने पहले विज़न के बारे में बात की कि टीम मैनेजमेंट की विज़न क्या है टीम uh, मैनेजमेंट के uh, कि एक क्रिकेट का विजन क्या है एक प्लेयर्स का विज़न क्या है कि कि जो प्लेयर्स टीम में आने चाहिए वो एक सर्टन कल्चर के होने चाहिए एक सर्टन एटीट्यूड के होने चाहिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बैट्समैन हो और आपका गेम अटैकिंग है और आप दो तीन मैचेस फेल हो गए तो फोर्थ मैच अगर आप डिफेंसिव खेलने लगो और रन्स करने ट्राई करो और आपका जो नेचुरल ना, स्ट्रोंग पॉइंट है वो अबैंडन करके आप खेलोगे तो वो मे बी नॉट द राइट कल्चर लेकिन आप चौथे मैच में भी आओगे बोल कि बॉल यहाँ गिरा तो मैं मारूंगा उसको और तभी आप रन्स करोगे तो येस यू नो योर मेंटली स्ट्रांग योर कल्चर इज़ इंटैक्ट सो पीपल हु डोंट कॉम्प्रोमाइज द नेचुरल वेज़ टू अटेन सक्सेस इज़ वन बिग पिलर ऑफ कल्चर एंड देर आर सेवरल अदर्स सो एक So then it is not, then we take this information. एंड इन एडिशन टू दिस इंफॉर्मेशन कि नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स का स्केड्यूल क्या है नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स में वर्ल्ड कप है क्या नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स में टेस्ट uh, चैंपियनशिप है उसके लिए हाउ आर वी गोइंग टू प्रिपेयर बिकॉज एक इंडियन टीम होती है एक इंडियन ए टीम होती है तो वो इंडियन ए टीम इज़ लाइक अ शेडो टीम यू नो एंड दैट दे हैव अ डिफरेंट स्केड्यूल फॉर दैट बेसिकली एंड दैट स्केड्यूल अगेन वी सिट देन वी सिट विद द नेशनल क्रिकेट अकेडमी पीपल एज वेल एंड देन कम अप विद अ स्केड्यूल प्लान फॉर द सीनियर टीम एंड द जूनियर एंड द ए टीम नेशनल क्रिकेट अकेडमी से प्लेयर्स के एटीट्यूड और वो के बारे में भी बिकॉज ये पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है कि एंड वी गेट वी गेट एक्सेस टू अ लॉर्ड ऑफ विजुअल इन्फॉर्मेशन एज वेल बिकॉज दे हैवे लॉड ऑफ विडियोज एंड एवरी थिंग ऑफ द प्लेयर्स तो सो सो दैट बिकम्स लाइक लिटल बिड ऑफ अ डेटा सेंटर यू नो फॉर फॉर द बी सी सी आई तो ये टीम मैनेजमेंट से विजन सीखो क्या क्या है एंड देन यू हैव टू गो एंड वॉच अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक मैचेस तो चार साल में मैं लिटरली पाँच छः दिन हफ्ते में मैचेस ही देख रहा था एंड देन आफ्टर दैट एक मैच को पाँच दिन के लिए देखते थे सो रंजी ट्रॉफी मैच इज अ फाइव डे गेम फॉर एग्जांपल सो यू वॉच द फर्स्ट टू थ्री गेम्स यू नो बिकॉज क्या होता है कि वेरी क्विकली एक सिलेक्शन कमेटी जब भी होती है तभी एक प्लेयर की लिस्ट बनती है कि ये तीस चालीस प्लेयर्स है ढूंढ रहे तो भाई देखो, जाके सब में ऑलराउंडर्स एंड से ये चार है ना ये अच्छे है। एक, एक थोड़ा रॉस हवा इतने सारे क्रिकेटर्स हैं भारत में इन नो ह्यूमन वे कैन यू कवर एवरी वन आप हर किसी को स्कैन नहीं कर सकते करेक्ट करेक्ट तो assuming कि जिनका नाम स्कोर कार्ड पर एट द टॉप है यानी कि जिसके रन सबसे ज़्यादा या जिसके विकेट सबसे ज़्यादा आप लिटरली सब उनको स्कैन करते हैं एब्सोल्युटली वो फिल्टरिंग प्रोसेस उधर से ही होता है कि ये रणजी ट्रॉफी है इसमें तीस टीम है या थर्टी टू टीम्स है ये थर्टी टू टीम्स में से ये टॉप ट्वेंटी स्कोरर्स है ये टॉप ट्वेंटी विकेट टेकर्स है देन यू कनेक्ट टू द रणजी कोचेज ऑल्सो बिकॉज ये बंदे हमारे साथ खेले हुए ही है तो सब दोस्ती है कि मैं पूछ लिया यार ये कैसा है नहीं नहीं जतिन तू तो आके देख ये बहुत अच्छा प्लेयर है यार तू आ उधर वो कोच से भी इंटरैक्ट हम करते और वो कोच बोलता है कि यार ये तो है लेकिन वो जो दूसरा प्लेयर है ना उसके रन नहीं बने थोड़े गए साल लेकिन वो बहुत बड़ा प्लेयर है तो ये कॉन्टेक्स्ट भी लेना पड़ता है इसके लिए जाके मैचेस देखते हैं बिकॉज कभी कभी मैच में एक प्लेयर है वो आउट हो गया अंदर अंदर आके खुद बैठा है टीम के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है फील्डिंग प्रैक्टिस में इंटरेस्ट नहीं है चुपचाप बैठा है तो यू फील अरे यार ये खुद का ही सोच रहा है टीम का नहीं सोच रहा है आई यूज़ टू वॉक अ लॉट अराउंड द ग्राउंड यू नो जो बाउंड्री लाइन पे फील्डर्स है मैं सडनली उनको पूछता था कि यार आ, अभी ये क्या करेगा ये सिचुएशन में तू और द फील्डर्स जो क्लूडॉन थे वो बोलते थे जतिन भाई नहीं यू you नो know, अभी लेफ्ट आर्म स्पिनर लाना चाहिए या यू you नो know, ये करना चाहिए वो करना चाहिए जो सो रहे हैं ग्राउंड पे बैठ के फिजिकली है मेंटली माइल्स अवे दे वुड से हाँ थोड़ा मैं सोच के बताता हूँ आपको तो थोड़ा आपको आइडिया आती है तो ये कॉन्टेक्स गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सो so ये ये अगर सिलेक्शन जस्ट फिगर्स पे होता तो यार एक सेटिसफिक्शन बैठ के अ, आराम से टीम निकाल सकेगा बट ये बहुत

क्या तिलक वर्मा आई बिलीव इवन यू जी चैल जब उनको इंडिया डेब्यू मिला था उन्होंने बहुत ज़्यादा रणजी क्रिकेट नहीं खेली जसप्रीत बुमराह सेम करेक्ट इन संगट कि आई की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है नहीं पहले तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें कि अगर आई में कर रहा है बनना तो अच्छा है ना यू कैन यूज़ दैट एज अ मार्कर डेफिनेटली इसमें इनके आई पी एल को इग्नोर करके कुछ फायदा नहीं है तिलक वर्मा बहुत अच्छा प्लेयर इंडिया को मिल गया यू नो बिकॉज ऑफ द आई पी एल सो थिंक द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर शुड डिक्टेट नॉट वेयर ही इज प्लेइंग ओके ओके बैक टू रणजी ट्रॉफी जैसे कुछ स्टेट्स हैं जो थोड़े से छोटे क्रिकेटिंग स्टेट्स माने जाते हैं असम नागालैंड केरला तो इन स्टेट्स को भी स्कैन किया जाता है हंड्रेड परसेंट अभी झारखंड को देख लो झारखंड हैज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वाइट बॉल टीम्स इन इंडिया यू नो बहुत ही अच्छी टीम यू नो सो लॉट ऑफ स्मॉलर टीम्स आर गेटिंग बेटर टूडे इट्स श्योरली जितना क्रिकेट का जो डेसिबल लेवल है इंडिया में कि हर बच्चा खेलना चाह रहा है हर कोने कोने में बी ने पूरा डेवलपमेंट प्रोलिफरेट करके डिस्ट्रीब्यूट करके किया है ये सब तो एवरी टीम टुडे हैज बिकम डेंजरस आई मीन आई रिमेंबर अ फ्यू इयर्स बैक जम्मू कश्मीर बीट बॉम्बे यू नो एंड एंड दैट्स अमेजिंग आई मीन लुक एट इंटरनेशनल लेवल अफगानिस्तान लाइक वी स्पोक अबाउट बहुत डेंजरस टीम है तो इंडिया में दैट इज़ वॉट इज़ कॉजिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ़ द क्वालिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट कि हर जगह पे क्वालिटी इंप्रूव हो रही है सुनने में आया कि जैसे उमरान मलिक कश्मीर से निकल के आए वैसे ही कश्मीर से एक स्ट्रीम ऑफ फ़ास्ट बोलर्स निकल के आ रही है बिल्कुल है? बिल्कुल नहीं मैं तो भैया बहुत सालों से हो रहा है यूपी से भी बहुत आ रहे थे मैं मैं एक स्टोरी बताता हूँ मैं जब भी नाइकी में था तभी एक नया फास्ट बोलिंग का शू लॉन्च हो रहा था तो वो प्रोडक्ट वाले आए थे यू एस से कि यू नो चलो हम थोड़ा ये ट्राई करेंगे जूता तो मैंने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम जाके एक काम करेंगे मैदानों पर जाएंगे क्रॉस मैदान आज़ाद मैदान लेट्स गिव द शू टू प्रॉपर मैदान क्रिकेटर तो वो इंटरेक्शन में प्लेयर्स से समझा कि कहाँ से है आप कहाँ से हो सर मैं तो इलाहाबाद से हूँ सर मैं तो नेपाल से आया हूँ सर मैं तो रांची से हूँ अच्छा क्या कर रहे हैं इधर जॉब है आपका नहीं नहीं सर हम वो मुंबई इंडियंस में ट्राई करने के लिए आ रहे तो जैसे बॉलीवुड में आ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आई थिंक वी शुड कॉल इट जैसे बाहर से बॉम्बे आते यू you नो know, कि प्रोड्यूसर के साथ ब्रेक मिले डायरेक्टर के साथ ब्रेक मिले ऑल ओवर इंडिया से क्रिकेटर्स आ रहे हैं कि मुंबई इंडियंस के साथ एक नेट बोलिंग का चांस मिले मुझे कि मैं नेट में इंप्रेस करूँ और और वो मुझे यू you नो know, फिर मुझे चांस मिले ऐसे तो, हुआ है ऐसे ही हो रहा है अभी ऐसे ही हो रहा है सो so, अभी नॉट ओनली मुंबई बट के में हो रहा है सी में हो रहा है uh, तो

एंड दैट्स हैपनिंग इन क्रिकेट ऑल्सो दे आर कमिंग टू बॉम्बे बिकॉज मुंबई इंडियंस के नेट में उनको चांस मिले वो थोड़े इम्प्रेस करे रोहित शर्मा को और फिर उनका करियर टेक ऑफ हो वहाँ से वाह wow. दोस्तों टी आर एस हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी आर एस हिंदी बहुत जल्द